बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शेर किसे कहते हैं और उसके ज़िम्न में कुछ चीज़ें आती हैं उनके बारे में। तो शेर का लुग़वी माने हैं जानना, किसी बारीक चीज़ की वाकिफियत हासिल करना। और इस्तिलाह में शेर कहते हैं मुकर्ररा वज़न को, मुतय्यना वज़न को और बहर में लिखी हुई तहरीर को। मुकर्ररा वज़न और मुतय्यना वज़न तो हम समझ गए, लेकिन बहर में लिखी हुई तहरीर किसको कहते हैं? तो दोस्तों, इल्मे उरूज में कुछ मुख्तलिफ वज़न हैं, उनमें से हर एक को बहर कहा जाता है। अब इल्मे उरूज किसको कहते हैं? तो इल्मे उरूज एक ऐसा इल्म का नाम है जिसके ज़रिए से शेर के वज़न को तोला जाता है, नापा जाता है, यानी कलाम वज़न में है या नहीं है इसको जाना जाता है। अब आगे हम समझेंगे मिसरा, मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है और इसको समझने के लिए एक शेर हाजिर करनी होगी। जैसे तो रईस शहर सितम गरा, मैं गदाए कूचा याशिका, तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूँ तो बुरा है क्या, तुझे संग दिल ये पता है क्या, कि दुखे दिलों की सदा है क्या, कभी चोट तूने भी खाई है, कभी तेरा दिल भी दुखा है क्या, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तू उसी को प्यार करे है क्यों, ए कलीम तुझको हुआ है क्या। तो इसमें दोस्तों हम समझेंगे, पहले मिसरा को समझेंगे, मिसरा किसको कहते हैं? तो इनमें से हर एक लाइन, इस जो छह लाइन का जो शेर है, इनमें से हर एक को मिसरा कहेंगे, हर एक लाइन को मिसरा कहेंगे, हर एक सतर को मिसरा कहेंगे। मिसाल के तौर पर तू रही से शहर सितम गरा में गदाए कूचे आशिका, इसे मिसरा कहेंगे और ये पहली लाइन में है इस वजह से इसे मिसरा अव्वल कहेंगे या पहला मिसरा कहेंगे, और ये दूसरा लाइन में है तो इसको मिसरा सानी कहेंगे या दूसरा मिसरा कहेंगे। तो दोस्तों, मिसरा हम समझ गए कि मिसरा किसको कहते हैं। अब आगे हमें समझना है मतला किसको कहते हैं। तो शेर या गज़ल जिसमें ये छः लाइन का जो शेर है या गज़ल है छः लाइन का, तो इनमें से जो पहले जो दो लाइन है शुरू की, तू रईस शहर सितम गरा मैं गदाए कूचे आशिका, तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूँ तो बुरा क्या, इसको मतला कहेंगे। इस दो लाइन यानी किसी गज़ल या शेर की शुरुआती दो लाइन को मतला कहते हैं, याद रखें। अब आगे हमें समझना है कि काफिया और रदीफ किसको कहते हैं। मक्ता आखिर में समझेंगे क्योंकि उसकी बहस आखिर से है। तो काफिया किसको कहते हैं? इस शेर में मैंने पढ़ा, अब काफिया का पहले मतलब समझ लीजिए। काफिया कुफू से बना है, इसका माना है पैरवी करने वाला, पीछे आने वाला, लेकिन शेर में काफिया से मुराद है कि आखिर में आने वाला हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं उसे काफिया कहते हैं। और काफिया की खासियत यह है कि वो बदलते रहता है साथ, यानी हर शेर के साथ साथ बदलते रहता है। जैसे इसमें कूचा आया, फिर बुरा आया, सदा आया, दुखा आया, वफा आया, हवा हुआ आया, हर एक लाइन में आप देखें कूचा, बुरा, सदा, दुखा, वफा, हुआ, इन सब को काफिया कहेंगे, जो कि हम वजन आवाज अल्फाज हैं और हर शेर में अल्फाज बदल रहा है तो इसे काफिया कहेंगे। और काफिया और रदीफ, इन दोनों को समझनी थी। तो रदीफ कहते हैं काफिया के बाद आने वाले को, और काफिया और रदीफ में थोड़ा फ़र्क ये है कि रदीफ बदलता नहीं है, यकसा रहता है, एक ही जैसा, उनकी शक्ल एक ही जैसी रहती है, वो बदलता नहीं है। और काफिया की हालत यह है कि वो बदलते रहता है। इस शेर में हमको जानना है कि रदीफ किसको कहते हैं। तो रदीफ कहते हैं जो बदलता नहीं है और काफिया के बाद आता है। तो इस शेर में तू रईस शहर सितम गरा मैं गदाए कूचे आशिका, तू अमीर है तो बता मुझे, मैं गरीब हूँ तो बुरा है किया, ये जो किया का लफ्ज़ आया इसे रदीफ कहेंगे। दूसरी लाइन में भी किया है, दुखे दिलों को सदा है क्या, या तेरा दिल भी दुखा है क्या, तो इसमें जो किया का जो लफ्ज़ आ रहा है इसे रदीफ कहेंगे। तो दोस्तों हम समझ गए मिसरा किसको कहते हैं, मतला किसको कहते हैं, काफिया किसको कहते हैं और रदीफ किसको कहते हैं। अब हम समझेंगे मक्ता किसे कहते हैं। मक्ता कहते हैं, मक्ता कता से बना है, माना था इसका काटना, तोड़ना, ख़त्म करना। तो इसे मक्ता इस वजह से कहा जाता है कि शेर के आखिर में इसे लाया जाता है। जैसे कि इस छः लाइन के जो शेर है इसमें जो आखिरी जो दो लाइन है, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या, तो उसी को प्यार करे है क्यों, ए कलीम कलीम तो इसको हुआ है क्या। तो जो कलीम का जो लफ्ज़ आया, इस शायद कलीम आजी साहब ने अपने नाम से शेर को ख़त्म किया, तो अब इसको मक्ता कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने नाम से शेर को ख़त्म किया। यानी शायद अपने नाम से जिस शेर को ख़त्म कर रहा है, कर रहे हो या कर रहा है, तो उसे मक्ता कहेंगे।
तो ये थी मुख्तसर सी शेर की तारीफ, जो बहुत ही आसान है अगर समझा जाए तो। और मैं अपनी बात को इस शेर के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर।